नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द रियल गुरु। आज हम आप लोगों को नजफगढ़ घाट ले चलते हैं। कानपुर नगर से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित नजफगढ़ घाट बहुत ही प्राचीन है। अगर आप यहां आना चाहते हैं तो आपको कानपुर में स्थित रामा देवी से 20 किलोमीटर दूर स्थित सरसौल जाना पड़ेगा और वहां से 5 से 6 किलोमीटर के आसपास नजफगढ़ घाट के लिए रास्ता लगा हुआ है। सरसौल के नजफगढ़ घाट गंगा तट पर स्थित शिव मंदिरों की 200 वर्ष प्राचीन श्रृंखला शिव भक्तों के अथक प्रयास से अब सजती और संवरती नज़र आ रही है। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से मंदिरों के संरक्षण की कई बार गुहार लगा चुके एक संत और ग्रामीणों को जब उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आई तो उन्होंने ही इन मंदिरों को संवारने का संकल्प लिया। ऐतिहासिक विरासत की थाती संजोने की शुरुआत एक संत ने की तो सभी ने हाथ बढ़ाया, और जब सब ने हाथ बढ़ाया तो इसी का परिणाम है कि श्रृंखला के 3 शिवालय जगमगा रहे हैं और चौथे पर काम चल रहा है। यहाँ की कुछ खास बातें भी हैं, जैसे कि सरसौल के नागापुर से लेकर नजफगढ़ घाट के बीच लगभग 2 किलोमीटर के एरिया में तकरीबन 12 शिव मंदिर स्थापित हैं। नागापुर निवासी पूर्व प्रधान करुणा शंकर त्रिपाठी बताते हैं कि पूर्व में सभी मंदिरों के शिखर पर स्थापित कलश अष्ट धातु के थे जो कि चोरी हो गए, और यहाँ के शिवलिंग दुर्लभ हैं जो कि काले रंग के कसौटी पत्थर के बने हैं। खास बात यह है कि हर मंदिर में एक जैसी ही शिवलिंग है, बस आकार में अंतर है। महाशिवरात्रि में यहाँ बड़ी संख्या में कांवड़िए आते हैं। इन मंदिरों की वास्तुकला और शैली भी बहुत ही अद्भुत है। मंदिरों में एक शिखर वाली नागर शैली, गुंबद वाली डोम शैली व शंखाकार विमान शैली के दर्शन भी यहाँ पर होते हैं। यहाँ की वास्तुकला और नक्काशी अद्भुत है। मंदिरों में उकेरी गई चित्रकारी यहाँ की प्राचीनता को बताने के लिए ही काफ़ी है। आपको बता दें कि आज से कुछ साल पहले ये सभी मंदिर जीर्ण शीर्ण हो रहे थे, देखभाल का अभाव था। लोगों ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से इन्हें संवारने की कई बार गुहार लगाई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। थक हार कर हरजिंदर नगर निवासी संत वासुदेवानंद ने शिवालयों के जीर्णोद्धार की मुहिम शुरू की। सबसे पहले 10 लाख रुपए से एक शिवालय को संवारा। इसके बाद महाराजपुर निवासी भानु प्रताप सिंह व उनकी शिक्षक पत्नी ने 20 लाख रुपए से दूसरे शिवालय को भव्य रूप प्रदान किया। तीसरे मंदिर को चमकाने का जिम्मा समाज सेवी अखिलेश सिंह व राजीव गुप्ता ने मिलकर उठाया। दोनों ने तकरीबन 5 लाख रुपए खर्च किए। चौथे मंदिर में गांव के ही महेश मिश्रा मरम्मत का काम करा रहे हैं। सावन के महीने में यहां भक्तगण आते हैं और गंगा जी में स्नान करके इन मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं। वैसे तो पूरे साल यहाँ भक्तों का आना जाना लगा रहता है। लोग गंगा जी में डुबकी लगाकर अपने आप को पवित्र करते हैं और इन मंदिरों में भगवान शिव के दर्शन करते हैं। रात्रि विश्राम के लिए यहाँ पर धर्मशाला भी बना हुआ है। भक्तों के स्नान के लिए यहाँ पर 2 घाट बनाए गए हैं जिनमें लोग आराम से अपना स्नान कर सकते हैं, और स्नान करने के बाद कपड़े बदलने की भी
अच्छी व्यवस्था कर दी गई है। धार्मिक त्योहारों के दिन यहाँ भक्तों की बहुत भीड़ होती है तथा सामान्य दिनों पर यहाँ पर बहुत शांति रहती है। यहाँ पीपल के विशाल वृक्ष भी हैं जो ब्रह्मदेव का प्रतीक हैं। प्राचीन समय में नजफगढ़ घाट व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। जलीय मार्ग द्वारा दूर दूर से व्यापारी यहाँ पर आते थे और कानपुर में व्यापार करते थे। उन व्यापारियों में चार सबसे बड़े व्यापारियों ने यह संकल्प लिया कि एक दिन में हमारी जितनी भी कमाई होगी उससे हम यहाँ पर मंदिर बनवाएंगे। उस दिन उनका व्यापार बहुत अच्छा हुआ और उन्होंने बहुत सारा लाभ कमाया, जिससे उन चारों लोगों ने यहाँ पर चार मंदिरों का निर्माण करवाया। प्राचीन समय में बहुत सारे साधु संत ऐसे हुए हैं जिन्होंने गंगा माँ की परिक्रमा पूरी की है। ऐसे ही एक स्वामी थे, पंडित स्वामी, जिन्होंने गंगा जी की परिक्रमा की थी। वो परिक्रमा करते करते एक बार इसी घाट पर आकर रुके थे। तब यह घाट निर्जन और सुनसान था। उन्हें यह घाट पसंद आ गया तो उन्होंने यहाँ के लोगों से बातचीत की कि यह स्थान निर्जन क्यों है, यहाँ पर लोग क्यों नहीं रहते हैं, यह रात्र में विश्राम क्यों नहीं करते हैं। तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक ब्रह्म राक्षस रहता है, अगर कोई रात में यहाँ विश्राम करता है तो वह उसे जान से मार देता है। यह सुनकर पंडित जी ने वहाँ पर रात्रि विश्राम करने का निश्चय कर लिया। लोगों ने लाख मना किया लेकिन वो नहीं माने। रात्रि का समय हुआ, ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ तो पंडित स्वामी ने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तो ब्रह्म राक्षस ने बताया कि वह केरल राज्य का है और इस योनि में बहुत समय से भटक रहा है। जब तक उसका उद्धार नहीं होगा तब तक वह यह स्थान नहीं छोड़ेगा। पंडित स्वामी ने अपने तप से उसका उद्धार कर दिया और अगले दिन सबको संदेश दिया कि अब यहाँ पर किसी भी तरह की समस्या नहीं है, लोग यहाँ पर रह सकते हैं और रात्रि विश्राम भी कर सकते हैं। पंडित स्वामी ने बताया कि यह स्थान एक तपोभूमि है जो कि बहुत ही प्राचीन है। पंडित स्वामी गंगा जी के अनन्य भक्त थे। गर्मियों के दिनों में जब गंगा जी में पानी कम हो जाता था और गंगा जी नजफगढ़ घाट को छोड़कर दूर से बहने लगती थी, तब वह पैदल चलकर वहाँ दूर जाकर स्नान किया करते थे। यह कार्यक्रम कई सालों तक चलता रहा। फिर जब पंडित स्वामी काफ़ी वृद्ध हो गए तो उन्होंने गंगा माता में एक दिन स्नान करते हुए कहा कि माँ, ये मेरा आखिरी स्नान होगा क्योंकि आपकी धारा घाट से बहुत दूर है और यहाँ तक आने में मैं असमर्थ हूँ। उस रात गंगा जी ने पंडित स्वामी को स्वप्न दिखाया और आशीर्वाद दिया कि जब तक तुम इस घाट में रहोगे हमारी एक धारा घाट को छूते हुए बहेगी। तब से आज तक नजफगढ़ घाट में गंगा जी की एक धारा हमेशा घाट के समीप से बहती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।